अरे भाई मैच बहुत बुरा फंस चुका है अभी। ओके सो हेलो गाइज आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, माय नेम इज अक्षत, यू वाचिंग हैप्पीज लाइफ। आज जाने वाले अपन फर्स्ट टाइम आईपीएल देखने जाने वाले हैं और मैच किसका है भाई, धोनी भाई का मैच देखने जाने वाले हैं। तो देखते हैं स्टेडियम में कैसा क्या सीन है, लेट्स गो। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेट्स गो। ओके भाई सो आई एम ऑल सेट, अपने को निकलना है यहाँ से 6:30 निकलूंगा मैं, क्योंकि 7:30 का हमारा क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच है, गुजरात टाइटंस वर्सेस सीएसके। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हैं, बट सीएसके अभी तक सिर्फ एक मैच जीती है, सो आई होप ये मैच जीते भाई। धोनी भाई को अपन देखने जाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मेरा फर्स्ट मैच है जो मैं आईपीएल का मैं देखने वाला हूँ, 2009 से चल रहा है आईपीएल, 7 से पता नहीं कब से। बाइक अभी नीचे खड़ी है, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है, पुणे से 30 किलोमीटर पड़ता है, चलते हैं और देखते हैं भाई कैसा क्या होने वाला है। बाय द वे रूल सारे मैं आपको बता दूं, पहली बात कोई DSLR कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, खाना वगैरह कुछ ले जाना अलाउड नहीं है अंदर। मेरा एक फ्रेंड है मेहुल, आप लोगों ने उसको काफी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, तो उसने मुझे बताया कि भाई खाने वगैरह का कुछ भी अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल, पावर बैंक्स भी अलाउड नहीं है। सो अगर आप जा रहे हो तो अच्छे से कोई भी स्टेडियम खा पी के जाओ, ताकि आपको वहां पे जो मैं बेकार बर्गर वगैरह मिलते हैं और सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं जो कि फालतू अननेसेसरी महंगे होते हैं जैसे एयरपोर्ट वाले। सो या अच्छे से खाता पीता हूँ मैं रास्ते में कहीं पे, वो खा पी के फिर उसके बाद निकलूंगा। जितनी फुटेज होने वाली है सब पूरी की पूरी आईफोन 13 प्रो मैक्स होने वाली है, जूम वगैरह सब अपन जितना भी हो सकता है कर पाएंगे भाई। इस मामले में पता है कि मैं अभी मैं मिस कर रहा हूँ S22 Ultra, जो मेरा सेकंड ऑप्शन था इसको लेने के लिए, बट ठीक है आईफोन है भाई। सो या चलते हैं, चलो भाई थोड़ी सनसेट हो रहा है और अपन चुके हैं बाइक में, और अपन ने पहना येलो धोनी फैन है गाइस, अपन धोनी फैन गाइस, नाइस नाइस नाइस। सो लेट्स गो और देखते हैं भाई कैसा क्या सीन है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको सब तो बताई दूंगा मैं। बैठ सा बाइक और खाना खाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ सब, अच्छा सा एकदम ओवर ईटिंग करके जाऊंगा भाई, क्योंकि वहाँ पर ना अच्छी खासी भूख लगने वाली है। सो लेट्स गो। तो भाई पहली चीज़ अच्छे से खा पी के जाओ, दूसरी चीज़ अगर आप आईपीएल देखने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके आपने आप मर्चेंडाइज नहीं लिया, उसके आपने टी शर्ट्स नहीं लिए, तो जब आईपीएल देखने जाते रहेंगे तो स्टेडियम के रोड में आपको बहुत सारी साइड में ऐसे शॉप्स दिखते रहेंगे जहाँ पे वो लोग टी शर्ट बेचते रहते हैं, तो उसके आप चिंता ना करें। जब भी आप स्टेडियम जाएंगे मैच देखने तो आपको रोड के साइड में बहुत सारे ऐसे शॉप्स इंडिविजुअल लोग मिल देंगे जो आपको टी शर्ट्स वगैरह बेचते रहेंगे भाई। तो यहाँ पर अपनी बाइक लगा दी है और सब में मैं खाने वाला हूँ अभी, ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पर, क्वाइट नाइस। तो चलते हैं भाई आगे, और लिटरली बाहर सड़क के बाजू में ना पूरे सब सीएसके के धोनी की टी शर्ट्स बिक रही थी, नंबर 7 धोनी लिखा हुआ था, तो सब लोग वही पहने हुए हैं, देख सकते हो आप सब धोनी के फैंस भाई, नाइस 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 नाइस। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई फर्स्ट टाइम, तो उसको खाते रास्ते में चलते हुए, सामने वो आप देख सकते हो वहाँ स्टेडियम है। तो भाई ये चल रहा है, ये जाने का रास्ता है, देखो आप पीछे देख सकते हो भाई स्टेडियम के बाहर इंडिया के झंडे और ये सब कुछ बिक रहा है। तो अगर आप सीएसके को सपोर्ट करते हो, जो भी टीम को सपोर्ट करते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आके आप उसकी जर्सी वगैरह खरीद सकते हो, और नाइस क्या बात है भाई। और ये भाई सामने स्टेडियम, अपन यहाँ ऊपर ही बैठने वाले हैं, जो अपने बुक की रेंट टिकट वो ऊपर की करी है, ऐसा सुना था भाई ऊपर से अच्छा व्यू आता है। सो नाइस, देखो यहाँ पे गेट नंबर 3 लिखा हुआ है और ये गेट नंबर 2 है, हम लोग को जाना है गेट नंबर 3 पे, और मैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं लेट हो गया हूँ भाई, अच्छा मैच जल्दी स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से। ये अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल मर्चेंडाइज मिल रही है, 1500 की एक टी शर्ट है, और बाहर ये आपको 100 रुपए की मिल जाएगी। और ये अभी अंदर आ चुके हैं भाई, तो भाई एक और चीज़ बता दूँ, मेरे बैग वगैरह सब। भाई कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, और आप भीड़ देख सकते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा पुणे स्टेडियम का ये मैनेजमेंट देख के भाई, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, ना प्रॉपर लाइन, ना प्रॉपर मैनेजमेंट, कुछ भी सही से नहीं था, इट वॉज रियली अ बैड एक्सपीरियंस जो एंट्री के टाइम था, तो इस चीज़ में इसको काम करने की ज़रूरत है, तो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ नोट इट। चलो भाई तो टिकट वगैरह सब क्या हो गए यार, बहुत ख़राब मैनेजमेंट, एक चीज़ बोलूँगा बहुत ख़राब मैनेजमेंट है, ऊपर जा रहे हैं अभी अपने यहाँ से। वो किधर जाना है, वो हाँ वो लिखा है ना आपका, हाँ सर अभी बॉल सेटल डाउन, आई हैव सेटल डाउन, और आप देख सकते हो आई भीड़, ओह माय गॉड गाइस वाओ। मैक्सिमम यहाँ पे सब सीएसके फैंस हैं, और भी सामने कैमरा देख सकते हो, यही आपको दिखता रहता है टीवी पे, आप जो देखते हो ना पूरा एरियल व्यू आता रहता है, ये सामने कैमरा है, ये पूरा यहाँ से बंधा हुआ है, देखो साइड से यहाँ पे रिंग्स है, रोप से पूरा बंधा हुआ है चारों तरफ, लाइट से देखो वो सामने लाइट से ना वहाँ से बंधा हुआ है चारों लाइट से, और पूरे में वो ऐसे घूमता रहता है, तो आपको एक वो शॉट मिलता रहता है। ओ आउट आउट, ये
जस्ट इससे पहले मोइन अली आउट हुआ है, अभी आया अमृति राइडू और भाई मस्त मैच चल रहा है यार, एक्सपीरियंस ही अलग है। ओ छक्का, क्या बात है, वू एक नंबर, 50-50, ये देखो यहाँ से व्यू बेहतरीन, क्या बात है। और वो हार्दिक पांडे है वहाँ पे भाई, अलग ही मज़ा है भाई। अगर कभी मौका मिले ना यहाँ पे स्टेडियम में आके मैच देखने तो ज़रूर देखना, बहुत ही प्यारा है भाई, पूरी ऑडियंस अलग ही वाइब देती है भाई। ये मोहम्मद शमी, कमऑन बॉय, भाई एक नंबर मैच चल रहा है भाई, बस राशिद खान भाई लिटरली लग रहा है धोनी आ जाए यार, दो ओवर बचे हैं धोनी नहीं आ रहा, लग रहा है शिवम में जडेजा कोई तो आउट हो जाओ भाई, मेरे को विकेट वो चाहिए। क्या कर रहे हो भाई, अरे आउट है, यार छोड़ दिया, धोनी चाहिए था, छोड़ दिया, पांच बॉल और बची है यार, कब आएगा धोनी यार, छक्का मारो, जब कैमरा ऑन किया तब तक छक्का पड़ा है भाई, छक्का ये तो अभी फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो चुकी है और सामने इंटरव्यू वगैरह चालू हो चुका है यहाँ पे, तो चलो भाई देखते हैं अभी धोनी, अब तो धोनी भाई पूरे टाइम दिखने वाले अपने को विकेट के पीछे। और यार जो आप टिकट लेते हो ना कभी भी इस साइड पे लिया करो, क्या बोलते हैं विकेट्स के सामने, तो आपको जैसा टीवी में व्यू आता है ना वैसा आपको यहाँ से दिखता है, तो बॉल्स हर जगह जहाँ जाती है आपको दिखती है बहुत अच्छे से, तो इसलिए आपको जो क्रिकेट वगैरह टीवी में जो मैचेस देखते हो ना वो इस एंगल से दिखाया जाता है, पिच के एकदम स्ट्रेट यहाँ से। सो नाइस, प्रैक्टिस चालू है तो ये सब हमें को टीवी में नहीं दिखाते हैं कि अपने को ना एड्स दिखाने लगते हैं, वो सामने एड्स जो चल रहे हैं वो अपने को टीवी में दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी देखो आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है, कैचिंग की प्रैक्टिस चालू है, विकेट्स में कैसे थ्रो कर दें वो चालू है, ये देख सकते हो, तो ये चालू है प्रैक्टिस, ये हम लोग को नहीं दिखाते, जो 15 मिनट का ब्रेक होता है ना फर्स्ट और सेकंड इनिंग के बीच में ये चालू रहता है बीच में, और जो पिच पे देख सकते हो रोलर चला रहे हैं फ्लैट करने के लिए उसको कुछ भी हो तो उसमें सही कर रहे हैं। एक बात का दुख रहेगा कि धोनी को नहीं देख पाए बैटिंग करते हुए, मतलब कभी भी मौका मिला ना डेफिनेटली आओ भाई मैच देखने के लिए, यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको। बहुत सही है भाई मतलब यार नंबर 7 कहाँ है, ये धोनी भाई बैटिंग करनी आए अपने, लेकिन अभी यहाँ से खेलेंगे बेहतरीन, ये नंबर 7 जडेजा है कैप्टन, लेकिन भाई असली कैप्टन तो धोनी है भाई, सबको बता रहे हो देख रहे हो नंबर 7 सबको पूछ रहे हैं, असली कैप्टन तो भाई धोनी है, कुछ भी कहो इंडियन क्रिकेट टीम में जब तक धोनी जिस टीम में के लिए खेल रहे हैं ना, मतलब IPL में हो चाहे, धोनी है भाई कैप्टन तो धोनी। ये ऑन फील्ड यार, ये देख सकते हो ये गाड़ी चल रही है स्टेडियम में, ये गाड़ी भी आपको वही सब रिकॉर्डिंग दिखाती रहती है, आप बोल रहे थे कैमरा मैन को ही चल रहा है, बट ये गाड़ियाँ रिमोट वाली गाड़ियाँ चलती रहती हैं भाई साहब।
खतरनाक काम हो चुका है इधर। एक बॉल एक विकेट, अरे रे शिट शिट यार, दो रन दो विकेट। शंकर भी गया भाई, शंकर बाप रे, सब जीरो पे जा रहे हैं, क्या हो रही है। शिट 16 रन में 3 विकेट हो गए भाई, 16 रन में 3 विकेट हो गए। सब कोई मतलब हर एक बॉल के बाद ना धोनी को आगे मिलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे बॉलिंग डाली, कहाँ फील्डिंग सेट करनी है धोनी को भाई। ओ माय गॉड, तीसरा विकेट हो चुका है, 16 रन है और 3 ओवर हुए, 4 ओवर हुए, बाप रे बाप। सो दैट्स ब्रावो, यहाँ सब चिल्ला रहे हैं भाई, डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो। ये भाई चौका, चौका, दो छक्के एक चौका लगातार चला गया, बाप रे भाई। मिलर मार रहा है, मिलर मार रहा है भाई। ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैंने एक बर्गर लिया है और बर्गर किंग का ये 100 रुपीज़ का, लिटरली आप अगर ये बर्गर किंग नॉर्मल अपने कोई आउटलेट के पास से खाओगे तो आपको 30-40 रुपए का पड़ेगा। और देख सकते हो रेट्स, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, ये रेट्स से आपको मिलेंगे। तो सब कुछ बहुत महंगा है, इसलिए बोलते हैं पेट भर के खा के आओ भाई। और यहाँ पर हो रहा है अपना मैच, तो वही है बात कि अच्छे से पेट भरो, बाहर मतलब बाहर से खा के आओ अच्छे से, और यहाँ मैच चालू है। कमान छक्का, ये नहीं है, फंसी नहीं, फंसी नहीं भाई। राशिद खान 2 बॉल 2 छक्के हो चुके हैं, 16 बॉल पे 36 रन चाहिए, बहुत प्यारा मैच चल रहा है। अब आया थोड़ा मैच, राशिद खान भाई, राशिद खान आज कैप्टन है बाय द वे। ओ माय गॉड भाई, 4 बॉल 4 ओपे बाउंड्रीज, ओ माय गॉड। भाई अलग ही जोश में, ब्रावो का लास्ट बॉल है, बॉल पे 7 रन चाहिए भाई, मैच पलट के गया राशिद खान ने पूरा। मिलर, अरे भाई मैच बहुत बुरा फंस चुका है अभी, नो बॉल हो गई, अरे भाई नो बॉल हो गई भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बॉल में मैच खत्म हो सकता है, 6 रन चाहिए 3 बॉल पे भाई। सीएसके हारने वाली है, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा यार, ना धोनी की बैटिंग देख पाए ना सीएसके को जीतते हुए देख पाए, अच्छा नहीं लग रहा भाई। चलो भाई जॉर्डन आखिरी बॉल कर दो, लेट्स सी, मैच खत्म, मैच खत्म। अरे बाप रे बाप भाई, गुजरात जीत गई। शिट भाई, लिटरली राशिद खान पूरा मैच पलट के चला गया है और सीएसके हार चुकी है। ये धोनी भाई, मैं हो इसलिए अभी किसी को हारना है किसी को जीतना है, धोनी भाई। मैच खत्म हो गया और मजा आया भाई, पूरा पैसा उसमें लाख में, लास्ट में भाई 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, मजा आ गई भाई। तो अभी चलते हैं वापस, सब लोग जा रहे हैं और इस टाइम पे आप लोगों को टीवी में इंटरव्यू वगैरह दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे प्लेयर्स वगैरह जो हैं वो ऐसी बात बात कर रहे हैं, और मजा आ गया भाई, कसम से मजा आ गया। ऐसी मैच होना चाहिए भाई, मैं सोच के आया था कि ऐसी मैच देखने को मिलेगा भाई। हार्दिक पांड्या खेला नहीं लेकिन टीम जीत गई भाई इसकी,
ये बंदा परेशान हो रहा है और भीड़ देख सकते हो आप, खतरनाक भीड़ जा रही है भाई। यहाँ देख सकते हो कार पार्किंग, देखो पूरी पार्किंग, इतनी पार्किंग है, यहाँ पार्किंग है, वहाँ पार्किंग है, पूरा भरा हुआ है भाई। और वो सामने है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये काम बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। एक यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं, आपको कहीं भी जाना है निगड़ी, जो यहाँ से बहुत दूर दूर वाली एरिया है ना, वहाँ पे जाने के लिए बसेज हैं, इलेक्ट्रिक बस है। तो भाई ना इसी में को बहुत अच्छा मूव लगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, बहुत अच्छा मूव लगा ये लाइक बसेस को यहाँ पे अरेंज करा। बिल खत्म हो गया है, सीएससी हार गई, तो वापस जा रहा हूँ अभी मैं। So it was nice यार, बहुत अच्छा लगा, like first time मेरा experience, it was really nice. So I hope आपने enjoy किया होगा, ऐसी कुछ नया अगर अपन मैं करूँगा तो definitely vlog वगैरह बनाता रहूँगा। So I hope ये vlog आपको अच्छा लगा होगा। Thank you so much for watching this video guys, I hope आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो do give it a like and thank you so much for watching. Till then take care, bye bye, stay safe, stay home, take care of yourself and your family. Instagram पे follow कर लेना personal account और ऑफिशियल अकाउंट, और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। जय हिंद, जय भारत।